नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चूँकि आज से नवरात्रि शुरू हो रही है तो आप सभी अपने अपने घरों में नवरात्रि की पूजा कर रहे होंगे, मैंने भी किया है। ये मैंने जवारी यहाँ पे बोए हैं और जौ को मैंने यहाँ मिट्टी में बोए हैं, उसके ऊपर कलश डाला है और ये मैंने एक जोत जलाई है और यहाँ माँ के नाम से 5 फल रखे हैं और ये माता रानी अपने सिंहासन पे बैठी है, वहाँ पर मैंने उनके लिए वस्त्र और श्रृंगार का सामान रखा है और ये उनके लिए एक छोटी सी रंगोली। नवरात्रि के पहले दिन माँ के शैलपुत्री रूप की आराधना की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री भी कहलाती है, माँ पार्वती के नाम से भी जानी जाती है। शैलपुत्री के बारे में एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार प्रजापति दक्ष ने सभी को अपने घर में यज्ञ में निमंत्रण दिया था, परंतु उन्होंने सती माता और शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया था, जिसकी वजह से माता सती ने अपने प्राण और शरीर को त्याग दिया था। फिर उन्होंने हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया, जिसकी वजह से उन्हें शैलपुत्री का नाम दिया गया। शैलपुत्री का स्वभाव बहुत ही सौम्य और बहुत ही शांत चित्त का है। उनके एक हाथ में उन्होंने कमल धारण कर रखा है और दूसरे हाथों में त्रिशूल। वो बैल की सवारी, नंदी की सवारी करती हैं। माँ शैलपुत्री के आराधना के लिए उनका जो बीज मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ शैलपुत्री नमः। माँ शैलपुत्री की प्रार्थना हमें करनी है तो इस मंत्र से कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्रीरूपीण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक दीजिएगा। तो चलिए, मैं आपसे कल फिर मिलती हूँ माँ के दूसरे स्वरूप की चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय।